केंद्र की विश्वासघाती नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा किसानों के साथ छल और विश्वासघात किए जाने के खिलाफ देशव्यापी विश्वासघात दिवस पर सोमवार को अखिल भारतीय किसान महासभा से जुड़े किसानों ने शहर के मालगोदाम चौक से विश्वासघात मार्च निकाला। जिला संयोजक ललन कुमार, सह संयोजक महावीर पोद्दार समेत दिनेश कुमार सिंह, शंकर प्रसाद यादव, सुनील कुमार राय, टिंकू यादव, रविंद्र कुमार सिंह, रामा शंकर सिंह, वंदना सिंह, कुलेंद्र प्रसाद सिंह, मनोज कुमार सिंह, गणेश कुशवाहा, शंकर सिंह, सुनील कुमार राय, रामबली राय, अमित कुमार, मिथिलेश कुमार, महेश कुमार, मोहम्मद अलाउद्दीन, आसिफ हुदा सहित माले जिला सचिव प्रोमेश कुमार समेत अन्य किसानों ने अपने अपने हाथों में झंडे, बैनर, फेस्टून लेकर गगनभेदी नारे लगाते हुए किसानों ने बाजार क्षेत्र का भ्रमण करते हुए पुनः स्टेशन चौक पर पहुंचकर संयुक्त सभा में तब्दील हो गया। सभा की अध्यक्षता किसान महासभा के सह संयोजक महावीर पोद्दार ने किया। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों से विश्वासघात किया है। शहीद किसान को न शहीद का दर्जा दिया गया और न ही शहीद किसानों के परिवार को मुआवजा दिया गया और न ही उनके परिजनों को नौकरी मिली। लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलने वाले भाजपा मंत्री कैबिनेट में बने हुए हैं, सरकार उन्हें तत्काल बर्खास्त करे। दिल्ली किसान आंदोलन के दौरान दर्ज तमाम मुकदमा वापस हो, सरकार सभी फसलों पर MSP को लेकर कानून बनाए, अन्यथा आंदोलन तेज करने की चेतावनी किसान नेताओं ने दी। समस्तीपुर जिला से अमरदीप नारायण प्रसाद की रिपोर्ट। अपने विरोध को दर्शा रहे हैं, हम भी महिला संगठन से इस किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए अपनी तरफ से इस वादा खिलाफी यात्रा में महिलाओं के साथ उपस्थित हुए हैं और हमारी, चाहे वो किसानों का सवाल हो, नौजवानों का सवाल हो, महिलाओं का सवाल हो, हम महिलाएं भी मजबूती से आपके साथ हैं और रहेंगे इन्हीं चंद शब्दों के साथ, क्योंकि तमाम लोग अपनी बातों को पूरे तौर पर रख चुके हैं। क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करते हैं। कोरोना में चला 750 किसान शहीद हो गया, लेकिन किसान पीछे नहीं हटा और जो मोदी सरकार कहती थी कि हम आंदोलन वापस नहीं करेंगे, उस मोदी सरकार को झुकना पड़ा और आंदोलन वापस लेना पड़ा। और हम कहना चाहते हैं भाइयों कि आज जो किसानों की बिहार में हालत है, आज जो वर्षा हुआ, तमाम फसल समस्तीपुर जिले में डूब गया, किसान बर्बाद हो गया, फसल क्षति मुआवजा ठीक से नहीं दिया जा रहा है। चाहे सब्जी का खेती हो, आलू का खेती हो, गेहूँ का खेती हो, बर्बाद हो गया समस्तीपुर जिले के अंदर। और आज बीघा का बीघा खेत में पानी लगा हुआ है। आज जब आप घूमिएगा, किसी सड़क से जाइए, पानी का निकासी नहीं हुआ। हजारों एकड़ जमीन समस्तीपुर जिले में आज भी जल जमाव है, निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है और किसान उसमें गेहूं नहीं रोप सका है। ये हाल है आजादी के 75 साल के बाद बिहार में भाइयों। और संयुक्त किसान मोर्चा के तहत जो आंदोलन हुआ, जो मोदी सरकार ने वादा किया था कि हम पूरे देश के किसानों को MSP देंगे और उसके लिए हम तुरंत कमेटी का गठन करेंगे, लेकिन 2 महीना होने जा रहा है, अभी तक कमेटी नहीं गठन किया है। उसके बाद उसने समझौता